नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा मैं वर्गमूल से संबंधित विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के हल। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 8वां नंबर का, जिसमें 2707 बटा वर्गमूल क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है, बराबर में दिया है 27.07। तो देखते हैं इसका हल किस प्रकार से होगा। यह है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसको इस पार ले जाएंगे बराबर के, और इसको यहाँ ले आएंगे। तो आपको पता है नीचे वाला जो रहता है इधर जाके ऊपर में चला जाता है। तो इस तरह से हमको इसका मान क्या हो जाएगा, 2707 और बटे में 27.07 बराबर क्वेश्चन मार्क, जो कि वर्गमूल के अंदर है। अब जब इसको हल करेंगे तो पहले सबसे यहाँ हमको दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव को हटाने का रूल पता है आपको, इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो है। तो हम यहाँ पे दशमलव के लिए 1 लिए और 2 संख्या के लिए 2 जीरो लिए और नीचे हम लिख दिए 2707। दशमलव हट गया। अब यहाँ देख सकते हो ये दोनों सेम संख्या हैं, तो दोनों तो कट जाएंगे, बचा कितना 100। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क वर्गमूल में है तो वर्गमूल को हटाएंगे तो इधर 100 में लग जाएगा वो। अब 100 का वर्गमूल सबको पता होगा 10 होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में 10 है। ऑप्शन ए, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है वर्गमूल 24 धन वर्गमूल 216 बटे वर्गमूल 96 बराबर क्या आएगा उत्तर। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि पता होगा वर्गमूल निकालने का, उससे हम पहले इसको तोड़ देते हैं। सबसे पहले 24 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 से गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, इस तरह से लिख सकते हैं। धन 216 को क्या लिख सकते हैं, दो दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 3 216। अब उसी तरह से नीचे में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 96 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 3 96, इस तरह से इसको कर दिए। अब आपको क्या करना है, दो दो की संख्या में जोड़ी बनाना है। यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये और यहाँ ये। अब इस दो में से हम एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से जब 1 2 निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको गुणा कर दो, 2 3 6 हो जाएगा। इस तरह से ये 2 वर्गमूल के बाहर आएगा और ये 2 वर्गमूल 6 हो जाएगा। और यहाँ पे धन चिन्ह है, यहाँ पे 1 2 बाहर आएगा, 1 3 बाहर आएगा। तो 2 और 3 बाहर लाएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और वर्गमूल के अंदर क्या रहेगा, ये 1 2 है और ये 1 3 है, 2 3 6 6, वर्गमूल 6 हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 2 बाहर आएगा, ये वाला 1 2 इसका बाहर आएगा और वर्गमूल के अंदर में बचेगा 3 दूनी 6। तो इस तरह से ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, वर्गमूल 6।
इस तरह से हमको मान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं आगे किस तरह से हल करेंगे इसको। ऊपर को हम लिख सकते हैं 6 और 2 8 को जोड़ दीजिए, और दोनों जगह 6 वर्गमूल है तो 8 वर्गमूल 6 कर सकते हैं, और नीचे में 4 वर्गमूल 6। ठीक, अब वर्गमूल 6 काट दीजिए और 4 दूनी 8। इस तरह से हमारा उत्तर आ गया 2। अब देख सकते हो ऑप्शन बी में 2 आया है, यही उसका सही उत्तर है। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि के द्वारा जो है इस तरह के वर्गमूल वाले संख्याओं को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर का। यहाँ पे 140 वर्गमूल क्वेश्चन मार्क धन 315 बराबर 1015 दिया हुआ है, तो इसको हमको किस तरह से हल करना है। देखिए सबसे पहले तो इधर 140 को इधर ही लिख देना है, और वर्गमूल के अंदर क्वेश्चन मार्क। जब 315 को इस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, ये 1015 ऋण 315। अब 1015 में 315 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 700 बचेगा, है ना। और इधर 140 है, और इधर क्वेश्चन मार्क है वर्गमूल के अंदर। जब इस 140 को अब इधर ले आएंगे इस पार, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क रख दीजिए इधर वर्गमूल के अंदर, ठीक है, और बराबर में 700 और 140 नीचे में आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 140, एक एक जीरो काट देते हैं, और 14 5 70 क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ गया यहाँ, 14 5 70। अब यहाँ वर्गमूल है तो वर्गमूल को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 5 × 5, मतलब वर्गमूल हटाएंगे तो ये वर्ग होगा। तो उसी तरह से यहाँ से वर्ग को हटाएंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा इधर, इस तरह से 5 × 5 हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का बराबर क्या आ गया, 5 5 25। अब ऑप्शन में देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 25, इस तरह से इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है 110 सही 1/4 वर्गमूल के अंदर है, इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको तो पता होगा कि 4 को इससे जो है हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और यहाँ पे आके ये जुड़ता है ऊपर में, तो 4 को हम 110 के साथ गुणा करेंगे, 11 6 44, मतलब 440 हो जाएगा। 440 धन 1 यानी कि 440 धन 1/4। अब इसका मान क्या हो जाएगा, ऊपर में 441 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, 4। तो आपको बहुत सारे संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। मेरे को जैसे पता है 441 का वर्ग होता है, 441 21 का वर्ग होता है, और 2 का वर्ग होता है 4। तो इस तरह से हम वर्गमूल को हटाएंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन यदि आपको पता नहीं है कि 441 किसका वर्ग है, तो हम इसका गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे ऊपर में 441 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 3 9, ठीक है, और 7 7 49, 49 और 9 को गुणा करेंगे तो 9 81 और 8 8 9 4 36 8 44। इस तरह से गुणनखंड निकाल लेना है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 × 2। इस तरह से यहाँ 2 3 हो गया, यहाँ 2 7 हो गया, तो यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 7, इस तरह से 3 × 7, और नीचे में 2 है,
तो ये दो हो जाएगा इस तरह से, 7 या 21/2, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 21/2। जब हम 21/2 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, 21/2, तो 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0 और 2 पंचे 10, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 10.5। 10.5 किस ऑप्शन में है देख सकते हैं, सी में है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 10.5। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का। इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले क्या करना है हमको, पहले तो आप पक्षांतर कर दीजिए, एक से को एक साइड ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये नीचे वाला एक से इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर तो वर्गमूल 1296 और इधर जाके 2.5 इससे गुणा हो जाएगा 2.25, और बराबर को उस पार क्या हो जाएगा, ये एक से को इस पार लेंगे तो ये एक से का वर्ग हो जाएगा, एक से गुणा एक से यानी एक से का वर्ग। अब देखिए, अब 1296 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि कर देते हैं, उससे तोड़ देते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। जब 16 और 81 को गुणा करेंगे तो आएगा 1296, आप कर लीजिएगा, और गुणा में है 2.25 और बराबर में है एक से का वर्ग। अब जोड़ा बनाइए, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये और ये, इसमें से हम 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 2 वर्गमूल के बाहर आएगा, इसमें से 1 3 आएगा और इसमें से 1 3 आएगा, इस तरह से बाहर क्या गया, 3 3 9 और 4 4 2 2 4 9 4 36, आगे आपको बता रहा हूँ मैं, 36 गुणा 2.25 आएगा और बराबर में एक से का वर्ग रहेगा। जब इधर से हम अब वर्ग को हटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ये सब, इस वर्ग को हटा दिए तो इधर आ गया वर्गमूल 36 गुणित 2.25। अब आपको पहले दशमलव को भूल जाइए, 36 किसका वर्ग होता है सबको पता होगा, ये 6 का होता है, और 15 का वर्ग होता है 225, तो यहाँ से आ जाएगा 15 बाहर, यहाँ आपको देखना है 2 के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा x। अब इसको गुणा कीजिए, 15 छक्का 90 बराबर x, लेकिन यहाँ 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ 9.0 होगा, इस तरह से x का मान क्या आ गया, हमको 9 प्राप्त हो गया, और यही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले याद रखना है कि गणित में आपको जल्दी से जल्दी हल करने, तो आपको पहाड़ा अच्छा से आना चाहिए और विभिन्न संख्याओं के वर्ग आना चाहिए, तब आपका गणित जो है आसानी से जल्दी बन जाएगा। धन्यवाद।